अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से अपने लिए हमेशा सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। मुझे आज बैंकॉक में पहला दिन है और आज जहाँ जाऊँगा वो जगहें हैं दो। सबसे पहले नंबर पे फ्लोटिंग मार्केट और नंबर टू पे एशियाटिक। ये दो जगह पे जाने के बाद आपको वहां से फिर मैं रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा मैं किसको कितने पॉइंट्स दे रहा हूं, ताकि जो लोग यहां आए उनको पता हो कि हम लोग यहां जाएं या ना जाएं। तो वीडियो पूरी देखें, आपको जो है वो मैं एक एक चीज बताऊंगा। अभी नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता करने जा रहे हैं, भूख बहुत लगी है और फिर चलते हैं, तो साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने अंडा फ्राई करवाया, अंडे के बाद मैंने सलाद थोड़ा सा डाला प्लेट में और थोड़ा सा गिलास में जूस डाला और फिर आपको दीदार कराए यहाँ के नाश्ते में जो मिलता है। ये सब हलाल है और ये नाश्ते में मिलता है और बहुत टेस्टी था, यकीन माने मज़ा आ गया, दिल करता था खाते ही जाएं। तो नाश्ता कर लिया है और बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता था, रूम बुकिंग में ही शामिल था नाश्ता, तो इसीलिए जो है वो बाहर आपको खाबे का नहीं दिखाया, तो जब बाहर खाबे का खाने जाएंगे तो आपको फिर वो भी दिखाएंगे, तो ये रूम बुकिंग में ही शामिल था। जी तो गाड़ी हमें लेने आ गई हुई है और अभी हम सारे गाड़ी में बैठने लगे हैं और यहाँ से जाएंगे हम फ्लोटिंग मार्केट। जी तो फ्लोटिंग मार्केट आ गए और यहाँ से हमने टिकट बाय किया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी तो शिप में बैठ गए हैं और अब रवाना हो गए हम। यकीन माने पानी जो है वो बड़ा ही गंदा था, कचरा ही कचरा था अंदर, लेकिन सुना बहुत है इस जगह का, इसलिए यहाँ पे आए। ये फ्लोटिंग मार्केट इसको कहते हैं, अच्छी जगह है। एक चीज़, प्राइस जो है ना वो फिक्स नहीं होती, आपको वो कहेंगे ज़रूर कि भाई इतने दे दो, लेकिन आप लोगों ने होशियार रहना है, जितने भी बताए उसका आधा दें। पठानों वाला साहब है, मेरी नारियल चाहिए, नारियल लेना। ये जी नारियल है, तो ये पीने को दिल कर रहा है, चेक करते हैं जी कैसा टेस्ट है इसका। ले भाई गंडासा फड़ के ते अगली ने वो कटिया। दिस हाउ मच? फाइनल फाइनल 800। ओके थैंक यू, थैंक थैंक यू। वेरी नाइस। 100 बात का नारियल था और बड़ा मज़ेदार था। ये जो साइडों पे सामान बेच रहे हैं, यकीन मानो बड़ा अच्छा मंजर पेश करता है, अच्छा व्यू है, नॉट बैड, बहुत 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 अच्छी जगह नहीं है लेकिन अच्छी जगह है, यहाँ जो है वो आप विज़िट करें, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहरहाल जैसे ना चिंची पे बैठे हुए हैं और चिंची की आवाज़ आ रही है और चिंची चल रही है, तो ऐसे आवाज़ें आ रही होती हैं बैठे हुए शिप पे, तो इन्जॉय है बहरहाल, यानी नॉट बैड और नॉट वेरी गुड बट गुड। ये देखें जी दरिया रावी का पानी, लहरें भी आपको भी नज़र आएंगी दरिया रावी की, जैसे रावी में ऐसे लहरें चल रही होती ना, ये लहरें, ये कश्ती में बैठ के लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा जो है ना, लेकिन ये कि टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत ही बड़ी मार्केट है भाई, दरिया रावी में घूम के थके हैं, तो यहाँ पे जो है ये है कि टाइम का पता नहीं लगता आपको, यहाँ पे आए और एंजॉय करें। जी तो ये देखें, छोटे छोटे केले और स्ट्रॉबेरी और नारियल, पता नहीं क्या क्या फल कश्ती में रख के बेच रही हैं, और ये कश्ती में देखें इंजॉय कर रहे हैं और चप्पू चला रहे हैं भाईजान। अच्छा ये देखें पाकिस्तानी मैंगो रखे हुए हैं, छोटे केले रखे हुए हैं और भी बहुत से फल हैं, और यानी बड़ा अच्छा व्यू है, मज़ा आ जाता है। जी तो फ्लोटिंग मार्केट से जो है वो हम निकल आए हैं। अगर आप यहाँ पे आए तो अगर आपको 6,000 कहें तो आपने 3 देना है, 3 के तो आपने 1500 बोलना है, 1500 बाद।
अच्छा दूसरे नंबर पे ये है कि आधा घंटा बहुत होता है, 40 मिनट 45 मिनट, तो वो आपको कहेंगे भाई इंश्योरेंस भी है, 1.5 घंटा 2 घंटे भी है दे रहे, तो आप बोलें भाई आधा घंटा बहुत है, 40 मिनट बहुत है, वरना 2 घंटे फिर आपको समंदर में घुमाते रहेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जी। तो अभी हम आए हैं एशियाटिक, यहाँ पे जो है वो आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि यहाँ आप क्यों आए, रेकमेंड जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ये बाहर का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, ये बाहर का मंजर है यहाँ से। अच्छा जी, ये हमने क्रूज़ बुक की थी, ये 3 फ्लोर की है, इसमें 2 फ्लोर वाली भी है क्रूज़ और एक फ्लोर वाली भी है, मुख्तलिफ रेट है, लेकिन जितना ऊंचा होगा जाहिर बात है क्रूज़ उतना ही ज़्यादा जो है एंजॉय करने का मज़ा आएगा, हवा अच्छी लगेगी, इसमें खाना इंक्लूड है ये वाला, ये देखें सारा कुछ जो है ना ये इंक्लूड है इसमें, ये उन्होंने बड़े ज़बरदस्त टेबल सा एक लगाया हुआ है और सेटिंग की हुई है, और इसमें ये सारा कुछ खाना पीना जो है वो आप आराम से बैठ के, क्रूज़ भी चलती जाएगी, हवा भी ठंडी है, और बैठ के जो है वो आप खाते जाएँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लगा। और ये सारे केक वगैरह, और ये पीछे व्यू देखें, बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ पीछे एक क्रूज़ आ रही है जो एक जो ये 2 फ्लोर की है, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जी। तो मेरी तरफ से ये वाली जगह भी हाईली रिकमेंड है, आप लोग जो है अगर आएँ दोस्त फैमिली कपल तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, फी पर्सन जो है वो 1500 बात लेते हैं, और इसमें जो है वो खाना पीना सारा कुछ शामिल है, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ आएँ पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना ये वाली भी जो है ये चलती हैं क्रूज़, ये जो है वो तकरीबन 30 बात पर बंदा लेते हैं, वो एक चक्कर राउंड लगा के तो आ जाते हैं, तो हम जहाँ बैठे हुए हैं वो जो है वो 3 फ्लोर की है, ठीक है 3 फ्लोर की है, इस वजह से जो है इनके पैसे डिफरेंट है, और दूसरा ये कि ये वाली जो क्रूज़ है बहुत बड़ी क्रूज़ है, और यहाँ पर खाना पीना ये वो सब कुछ जो है वो उसी में शामिल है पैकेज में, और सब कुछ हलाल है, खाने में ये चीज़ें। अच्छा ये देखें एक 2 फ्लोर वाली क्रूज़ हमारे साथ साथ जा रही है, और ये सामने देखें व्यू, और ऐसे लगता है जैसे पूरी बिल्डिंगों ने हमें जो है ना घेरा हुआ है इस क्रूज़ को, और बड़ा मज़ा जो है ना वो आ रहा है, खा रहे हैं और हवाएं ठंडी चल रही हैं, और साथ में म्यूज़िक जो है ये इन्होंने हल्का हल्का सा जो है ये हर टाइम जो है वो गा रही होती है, और लोग ये ऊपर से ब्रिज के नीचे से जब ये जाता है ना क्रूज़, यकीन माने वो मंजर ही और होता है, वो फीलिंग्स ही और होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना व्यू होता है जब ये ब्रिज के नीचे से जाता है, ये एक क्रूज़ हमारे पीछे पीछे है, यानी बड़ा अच्छा व्यू है। खाना पीना जो है ये देखें बारबेक्यू टाइप एक हो रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी रूम में आ गए हैं। अच्छा तो अब मैं रिव्यू करके आपको बताता हूँ कि जो है वो कितने पॉइंट्स जो है वो मैं इनको देता हूँ, ये 2 जगह पे आज गए थे, फ्लोटिंग मार्केट और एशियाटिक। अच्छा फ्लोटिंग मार्केट जो है इसमें अगर आप जाएँ तो आधा घंटा आपके लिए बहुत है, आधे घंटे से ज़्यादा जो है वो आप बोर हो जाएंगे और थक जाएंगे, तो आधा घंटा इनफ।
बाकी आपको टिकट का कहे तो उसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आप जो है वो उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं भाई हम इतने देंगे, नहीं तो आप कहें भाई हम जा रहे हैं, फिर तो खिंच के ले आएंगे। दूसरा पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स में ये है कि 10 में से जो है वो फ्लोटिंग मार्केट को मैं 5 नंबर दूंगा, और उसके बाद एशियाटिक जो है उसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। बहुत अच्छा व्यू होता है, 3 फ्लोर की क्रूज थी और उसमें खाना पीना इंक्लूड था और वेदर अमेजिंग, तो आप वहां जाके इंजॉय करेंगे। तो 10 में से 9 नंबर जो है वो एशियाटिक को। तो इसके अलावा भी जो है मैं मजीद रिव्यू करूंगा और पॉइंट्स जो है वो आपको बताऊंगा कितने देता हूं मैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह ताला आपके बच्चों के साथ पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम व दायम कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।